भिन्न के प्रश्न। इस पाठ में हम मिश्रित भिन्न के चार प्रश्न करेंगे। मिश्रित भिन्न का जमा, मिश्रित भिन्न का घटाओ, मिश्रित भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न का भाग। सबसे पहले करते हैं मिश्रित भिन्न का जमा। तीन को और एक को हम कर देंगे गुणा, जो आंसर आएगा उसके साथ दो के साथ कर देंगे प्लस, यानी तीन एक कम तीन, तीन और दो हो जाएंगे मेरे पास पाँच, बटे में आ जाएगा मेरे पास तीन। प्लस का साइन हम ऐसे कैसे रख देंगे। चार और दो को कर देंगे गुना, जो आंसर आएगा तीन के साथ कर देंगे जमा। चार दुनी आठ और तीन ग्यारह, भाग में मेरे पास आ जाएगा चार। जो भाग में वैल्यू है वो सेम की सेम ही रहेगी। अब तीन और चार को कर देंगे हम गुना, इन दोनों वैल्यू को गुना कर देंगे, हमारे पास आएगा बारह। चार और पाँच को कर देंगे गुना, तो हमारे पास आएगा बीस। जो प्लस का साइन है हम बीच में रख देंगे। तीन को ग्यारह से गुना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा तैंतीस। बीस और तैंतीस हमारे पास हो जाएंगे तिरपन, बाद में बारह। दोस्तों यही है आपका उत्तर। वैसे ही तीन और एक को करेंगे गुना, जो आंसर आएगा दो के साथ कर देंगे प्लस। तीन एकम तीन और दो पाँच, भाग में तीन। माइनस का साइन हमारे पास आएगा ऐसे कैसा। चार और दो को कर देंगे गुना, जो आंसर आएगा उसके साथ कर देंगे प्लस। चार दुनी आठ, नौ दस ग्यारह, तो ग्यारह भाग में मेरे पास आ जाएगा चार। तीन और चार को कर देंगे गुना, तो हमारे पास आएगा बारह। चार और पाँच को कर देंगे गुना, तो हमारे पास आएगा बीस। माइनस का साइन आएगा बीच में। तीन और ग्यारह को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा तैंतीस। तैंतीस में से बीच जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का ग्यारह, भाग में बारह। यही हमारा है उत्तर। अगले क्वेश्चन है, तीन और एक को कर देंगे गुणा, जो आंसर आएगा उसको कर देंगे प्लस। तीन एकम तीन और दो पाँच, भाग में मेरे पास हो जाएगा तीन। गुणा का साइन लगा देंगे। चार और दो को कर देंगे गुणा, जो आंसर आएगा उसके साथ कर देंगे प्लस। चार दुनी आठ और तीन ग्यारह, भाग में मेरे पास हो जाएगा चार। पाँच को और ग्यारह को कर देंगे गुना, तो हमारे पास आएगा पचपन। चार और तीन को गुना कर देंगे, हमारे पास आएगा बारह। दोस्तों ये है आपका उत्तर। तीन और एक को गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा दो के साथ कर देंगे प्लस। तीन एकम तीन और दो पाँच, भाग में तीन, भाग का साइन। चार और दो को कर देंगे गुना, जो आंसर आएगा तीन के साथ कर देंगे प्लस। चार दुनी आठ और तीन ग्यारह, भाग में चार। अब हम पाँच भाग में तीन, ये भाग का साइन है, इसकी जगह लग देंगे गुना का साइन। जो इधर वाली वैल्यू होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि चार चला जाएगा ऊपर, ग्यारह आ जाएगा नीचे, यानी कि हो जाएगा चार बटे में ग्यारह। अंश में जो वैल्यू होगी हर में आ जाएगी, हर की वैल्यू जो आ जाएगी अंश में आ जाएगी। चार और पाँच को गुणा कर देंगे, हमारे पास आएगा बीस। ग्यारह को तीन से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तैंतीस। दोस्तों यही है आपका उत्तर।